राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार हमेशा ही ग्रामीण क्षेत्रों में रस्ते पानी बिजली आदि की मूलभूत सुविधाएं प्रदान करने हेतु करोड़ों की निधि उपलब्ध कराती है लेकिन बिचौलियों तथा ठेकेदारों के मनमानी के चलते उनके द्वारा प्राप्त निधि का सदुपयोग कम तथा दुरुपयोग ज्यादा होता नजर आ रहा है ऐसा ही एक मामला सावनेर तहसील के टेंबूढ़ोह ग्राम पहुंच सड़क निर्माण में भी उजागर हो रहा है जहां मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत करीब दो किलोमीटर सड़क करीब 109 नौ से तिहत्तर लाख रुपए की लागत से एक से 770 मीटर सड़क डामरीकरण तथा 230 मीटर सड़क सीमेंट कंक्रीट की बनना तय था जिसका ठेका नागपुर की सेठ कंस्ट्रक्शन कंपनी को प्राप्त होकर चौदह दस दो अच्छा को सड़क निर्माण कार्य शुरू होकर तो 14 सात दो हजार उन्नीस को निर्माण कार्य पूर्ण कर सड़क निर्माण के बाद आगामी पांच वर्ष तक देखभाल करनी थी लेकिन तय समय में न तो सड़क तय मानकों से बनी और न ही उसकी देखभाल होने से रास्तों पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं। रास्तों के बाजू से ठीक से पूरे न जाने से मिट्टी और गिट्टी दोनों उखड़ जाने से आए दिन मोटरसाइकिल वाहन सवारों के साथ हादसे हो रहे हैं इससे संबंधित विभाग सड़क निर्माण करने वाली सेठ कंस्ट्रक्शन कंपनी नागपुर पर उचित कार्यवाही कर उसे ब्लॉक लिस्ट करने की मांग टेम्बूडोह ग्रामवासी कर रही है आपको बता दें कि सड़क पर वाहन चलाना यानी सड़क के मौत के कुएं में वाहन चलाने से ज्यादा कठिन है एनबीसी न्यूज के लिए संवाददाता किशोर ढूंडेली की रिपोर्ट